सब मेहनत की है, 13 सालों से मैं कांग्रेस का झंडा और डंडा उठाए फिर रही हूँ। मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना खर्चा किया, मैं रात दिन मेहनत करती थी कांग्रेस के लिए। मैंने जितनी मेहनत करी आज तक किसी ने मेहनत नहीं करी, और आज देखिए कि हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है। 6 सीटें हैं, 6 सीटों में 2 महिलाओं के बनता है, उन 2 महिलाओं को भी इन्होंने, प्रियंका दीदी ने जो है टिकट नहीं किया, और एक ऐसी महिला को टिकट दिया है जो पहले कभी कांग्रेस में आई नहीं, कभी कोई झंडा डंडा नहीं उठाया, कोई धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई, ऐसी महिला को जो है उन्होंने टिकट दिया। मैं पूछना चाहती हूँ प्रियंका दीदी, आप तो कह रही थी कि जो संघर्षशील महिलाएं, जो मेहनती महिलाएं, जो आपके लिए मेहनत करती है, जो कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करती है, मैं उनको आगे बढ़ाऊंगी। ये क्या हुआ मेरे साथ, इतनी नाइंसाफी क्यों की? मैंने तो हर जिम्मेदारी निभाई, ऊपर से आदेश आए कि फिलो क्या कि आपको बूथ वाइज लिस्ट तैयार कर दी है। मैं घर घर जाके बूथ वाइज लिस्ट तैयार करके आई, एक बूथ पे से 10 नाम, टेलीफोन नंबर, उम्र, जाति, मैंने सब तैयार किया। यहाँ आज तक जितने भी कैंडिडेट है किसी ने बूथ वाइज लिस्ट तलक नहीं दी, मैंने बूथ वाइज लिस्ट भी दी। मैंने मुझे 12-13 साल हो गए कांग्रेस में, पिछली योजना में भी कहा था कि तुम्हें मौका मिलेगा, लेकिन गठबंधन होने के कारण जब भी मेरा टिकट कैंसिल हो गया था। प्रियंका दीदी, आपने तो अपना परिवार भी बनाया, मैंने तो परिवार भी नहीं बनाया अपना, कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे समाज में पहचान बनानी है, मुझे समाज में पहचान बनानी है। मैंने इतनी मेहनत की रात दिन, मैंने अच्छा खाया ना पिया, लेकिन मैंने कांग्रेस पे खर्च किया, मैंने दिन रात मेहनत की, इतना मैंने जनाधार बढ़ाया कि आज तक किसी ने नहीं बनाया। सुभाष शर्मा जी ने भी यूँ कहा कि बहुत मेहनती लड़की है, प्रदेश अध्यक्ष ने मुझे जो है कहा कि बहुत मेहनती लड़की हो, तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। धीरज गुज्जर जी ने भी मेरी मेहनत देखी और कहने लगे कि तुम बहुत मेहनती लड़की हो, तुम्हें आगे बढ़ाया जाएगा, तुम्हें मौका दिया जाएगा। लेकिन आज मेरे साथ क्या हुआ है, आज मेरे साथ क्यों ना इंसाफी हो रही है, ये मुझे इंसाफ चाहिए प्रियंका दीदी। आप बताइए, ना इंसाफी क्यों हो रही है?